नमस्ते आप सभी लोगों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ये मेरा पार्स लेना का प्लांट है। ऐसे पार्स लेना सही बोल रहा हूँ या गलत मुझे नहीं पता। मुझे इसका नाम ZA गार्डनिंग करके मेरी एक दोस्त कह सकते हो या मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया है अभी अभी। और अब मेरा प्लांट देख सकते हो बहुत ज़्यादा घना हो चुका है और अब मुझे इसे रिपोर्टिंग करना है या कह सकते हो दूसरे गमले में अच्छी तरह से लगाना है। तो वो मैं कैसे लगाता हूँ वो सब आप देख सकते हो। इसकी केयर कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसमें सॉइल बनाएंगे। इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है मैंने, चिकनी मिट्टी ली है, थोड़ी बहुत रफ मिट्टी भी ली है और गार्डन सॉइल भी है। इसका सॉइल आप किसी भी तरह से बना सकते हो। मैंने दो पुरानी बॉटल ले ली है, उसमें हल्के हल्के छेद कर दिए देख सकते हो आप। और इसी में से ही हम हमारे प्लांट की कटिंग को इस बॉटल के अंदर लगाएंगे, वो आप आगे देख लीजिए। मैंने एक थोड़ा सा जुगाड़ किया है, पुरानी प्लास्टिक की पाइप ले ली है और उसे मैंने छोटे छोटे से छेद करके इसमें डाल दिया है। जब भी मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये हमारे प्लांट के रूट तक सीधे पहुँच जाएगा। मैं इसमें हल्दी डालूंगा जो हमारे रूट को बुरे फंगस से बचा। अब मैंने छोटा सा रॉड ले लिया है और इससे हम मिट्टी में थोड़ा बहुत छेद करेंगे। ध्यान रखना है ज़्यादा। अब आप देख सकते हो 5 दिन बाद हमारा प्लांट कैसा दिख रहा है। ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गया है और इसकी लीव्स भी बहुत अच्छी हरी हरी निकल रही है अभी नई नई। और कैसा दिख रहा है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें फंगस नहीं लगने चाहिए। उसके लिए आपको दो चीज़ें हमेशा ख्याल रखनी। इसमें कम पानी दे जिसकी वजह से सारी चींटियाँ इसके आसपास ना जाए, और दूसरी चीज़ इसे बीजों में छोटे छोटे जो मिनी बग होते हैं वो इसमें ना लग जाए। इसके लिए आपको इसे अच्छे से साफ़ रखना पड़ेगा। इसके ऊपर पानी डाल के इसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से साफ़ कर देना चाहिए। ये मेरा लोकस का प्लांट है, इसकी वीडियो नेक्स्ट आएंगी। और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये वीडियो भी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे भी और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे अपने भी आइडिया मुझे शेयर कर सकते हो आप। जब भी आप किसी नए प्लांट की कटिंग लगाए तो उसके पुराने फूलों को तोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारे नए प्लांट की ग्रोथ में रुकावट ना बने।